हमारे गार्डन में आ गए हैं नन्हे मुन्ने मेहमान, यानी कि बुलबुल ने घोंसला लगाया था जब अंडे दिए, उसके बाद देखे इनके बच्चे निकल आए हैं। बच्चे निकलने के बाद ही मैंने वीडियो शूट किया, वरना मुझे पहले ही पता लग चुका था कि बुलबुल हमारे घर के अंदर जो प्लांट्स के अंदर इन्होंने घोंसला बना लिया है। अगर मैं उस समय इनको छेड़ता तो शायद अंडे वगैरह नहीं थे, अनसेफ महसूस करके ये घर छोड़ जाते। लेकिन अभी इनके बच्चे जो देख सकते हैं अंडों से बाहर आ चुके हैं, ये सेफ महसूस कर रहे हैं और हमारे इर्द गिर्द घूमती रहती हैं। जब मैं गार्डन के अंदर होता हूँ तो कभी इस तरफ कभी उस तरफ आती जाती रहती हैं। इनको कोई भी अभी डर नहीं है तो ये बिल्कुल सेफ महसूस करती हैं। तो इसलिए जब भी घोंसला बनाएं तो उस समय कभी भी इनके घोंसले के पास मत जाएं, इस चीज़ का ध्यान रखें। किनके घर में ऐसा होता है कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिनके घर में परिंदे नहीं आते हैं वो भी ज़रूर बताएं, तो हम कोशिश करेंगे आपको सुझाव देंगे किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। पेस्टिसाइड तो बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इनका जो खाना है वो कीट पतंगे ही होता है। देखें कितने सारे परिंदे हमारे गार्डन में आते हैं, अगर पेस्टिसाइड इस्तेमाल करेंगे है ना, उसके अंदर साथ की जो कीड़े वगैरह बाहर आएंगे तुरंत ये उठा लेंगे, इनके बच्चों के मरने के चांसेस और इन जानवरों के मरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो वीडियो कैसी लगी मेरी दोबारा बनाई हुई, आपको लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन जरूर दबा लें। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ फिर से मिलते हैं, तो वीडियो देखने के लिए मैं दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ।